मेरी सोच है फेयरनेस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। लोग माइनॉरिटी की संख्या को कम दिखा रहे हैं कि जाति गणना के बगैर पता नहीं चलता। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकते। सो द चॉइस इन माई व्यू इज नॉट बिटवीन कास्ट सेंसस एंड नो कास्ट सेंसस, द चॉइस इज बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ वायलेंस एंड सोशल डिसऑर्डर। People who define how this country is governed. Of course, 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. आज दिल्ली पुलिस की भर्ती निकाल रखी है तो उसमें 27% ओबीसी का कोटा है और वो मात्र 5.5% दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं कास्ट सेंसस को, जाति जनगणना को एक्सरे कहता हूँ। हर व्यक्ति को वोट देने का, अपने देश को चलाने का अधिकार दिया गया। आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान का धन किस प्रकार बांटा जा रहा है, कितना धन किसको मिल रहा है। हम कहते हैं, जनरली कहते हैं कि अदानी जी मोनोपोली है, इतना पैसा है, मगर उसको किसी ने क्वांटिफाई नहीं किया। जनरली लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में तकरीबन 50% पिछड़े लोग, तकरीबन 15% दलित, तकरीबन 12% आदिवासी। सवाल यह है, इस देश के धन में से इनको कितना मिलता है। तकरीबन 80% आबादी हिंदुस्तान की पिछड़े, दलित और आदिवासियों में से है। इनमें से देश को चलाने में इनकी कितनी भागीदारी। मैंने सवाल उठाया, नेशनल सरकार में जो IAS ऑफिसर्स हैं 90 में से 3 लोग पिछड़े वर्ग के। 35,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए जाता है। कहां से आता है? GST से आता है, मतलब OBC के जेब से, गरीब जनरल कास्ट के जेब से, दलित और आदिवासी के जेब से। कहां जाता है? 35,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी 16 कंपनीज को देते हैं। ओबीसी की क्या हिस्ट्री है? वो जो आपकी हिस्ट्री है उसको दबाया गया है, 50% आबादी है उसको कुचला गया है और आपको बताया गया कि भैया आपकी कोई हिस्ट्री है। दलित अपने आप को दलित कहते हैं, सवर्ण अपने आप को सवर्ण कहते हैं, द्विजा कहते हैं। आपका नाम भी किसी और ने दिया, आपका नाम भी आपका नहीं। तो अगर आपका नाम नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, फिर कैसे बैठोगे, कैसे बात करोगे? मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ, ये आपकी हिस्ट्री निकालने का पहला कदम। और बीजेपी कहती है भैया इनको इनकी हिस्ट्री मत दो। हिस्ट्री दे दी तो फाउंडेशन बन जाएगी, नींव बन जाएगी, नींव बन जाएगी तो इमारत बन जाएगी। जो ओबीसी दलित आदिवासी तपस्या कर रहा है उसका फल उसको नहीं मिल रहा है। किसान 17 घंटे काम करेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। शिक्षा के सिस्टम पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक ये शिक्षा का सिस्टम आपका काम नहीं करेगा। और जब वो शिक्षा प्राप्त करेंगे आगे तो उन्हें अपने हथियार के बारे में जानकारी होगी, उनको ये जानकारी होगी कि उनके पास कितना अधिकार है। मुझे लगता है भारत में सभी की तरह उनके पास भी अंतिम हथियार शिक्षा ही है। बीजेपी का तो यही, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, लोगों को भिड़ाना, लोगों को लड़वाना। और जातीय अगर हो जाएंगे तो शायद लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिल पाएगा सरकार में, उनकी भागीदारी हो पाएगी। ओबीसी वर्ग है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और उसके जो हक है वो आज तक ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पाए। तकरीबन 60-65% ओबीसी वर्ग रहता है लेकिन ओबीसी को जो चाहिए वो आज तक नहीं मिला। भारत माता का सबसे बड़ा भाग दलित, आदिवासी और पिछड़ा है। नरेंद्र मोदी ने 14,00,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। उसमें एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक पिछड़ा नहीं, मतलब हिंदुस्तान की 80% आबादी में से कोई नहीं। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जाति जनगणना नहीं कर सकते। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना राहुल गांधी कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस आएगी तो सबका भला करेगी, गरीब का भी अमीर का भी। ये सरकारें क्या करती है? कास्ट सेंसस देश के पिछड़े लोगों को, देश के गरीब लोगों को साफ बता देगा कि भैया देखो पूरा का पूरा फायदा अदानी जी को हो रहा है। मेरी सोच है फेयरनेस होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को दिया है उतना पैसा अगले 10 साल में हमें हिंदुस्तान की गरीब जनता को देना। द विजन इज सोशल वेलफेयर 2.0 एंड आई एम एट नो पॉइंट saying that there is no space for corporates. Absolutely there is. You have a fundamentally important role to play. But ask yourself the question, how many of your employees are OBCs? How many of your employees are Dalits? How many of your employees are Adivasi? And believe me, they have skills. So you're wasting huge talent in India. You're wasting huge management talent. You're not even seeing the surface of the talent in India. So the choice in my view is not between caste census and no caste census. The choice is between transparency and extreme levels of violence and social disorder. And what I as a patriotic Indian am trying to do is trying to make sure that we don't enter into a space of massive social disorder and that we resolve this conflict and we create a new situation which is a win-win for all parties.